लेट्स स्टार्ट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सो आज का जो हमारा लेग है ये सबसे आसान लेवे। इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज टू कमांड्स। वन इज पिंग एंड वन इज ट्रेसेट कमांड। सो ट्रेसेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। चलो पहले हम ये देखते हैं कि पिंग कमांड क्या है। सो पिंग कमांड के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो होस्ट है, होस्ट व्हाट इज मीन बाय होस्ट। होस्ट वो ही आपके लिए है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। वो आपके साथ फेसबुक हो सकते हैं, वो आपके साथ गूगल हो सकते हैं, आपके साथ यूट्यूब हो सकते हैं, आपके साथ यूईटी का पेशावर यूनिवर्सिटी का कोई गेम हो, जो भी हो उसके सर्वर के साथ जो कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, इस दिस इज कॉल्ड होस्ट। इस होस्ट के साथ जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप पहले देखते हैं कि इज दिस होस्ट इज इन रेंज आर इन नॉट। आइदर ये एक्टिव है, आइदर एक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव है, आइदर एक्टिव नहीं है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप यूज करेंगे पिंग कमांड। पिंग कमांड इज यूज टू फाइंड दैट इज द होस्ट इज एक्टिव आर नॉट। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल कैसे, सो एक हम देखिए कि ये यूज कर दिया कि एक्सेस। सो पिंग कमांड इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द रिमोट होस्ट इज एक्टिव आर इन एक्टिव। इफ द सर्टेन साइट इज नॉट पिंग बट अदर साइट्स कैन देन इट इज प्रिटी गुड साइन दैट योर इंटरनेट नेटवर्क इज फाइन एंड द साइट इज डाउन। कहने का मतलब यह है कि आप एक एड्रेस को पिंग करना चाहते, सो अगर वो पिंग हो गया तो मतलब है कि वो एक्टिव है। अगर वो पिंग नहीं हुआ तो आप इस तरह करें कि दूसरा वेबसाइट को पिंग करें। अगर वो पिंग हो सकता है इसका मतलब है कि आपका नेट ठीक है, लेकिन जो दूसरा नेटवर्क है वो आपके साथ खराब है। ठीक है, इसका प्रोसेस डाउन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी वेबसाइट को पिंग करते वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। इसका मतलब है कि आपका नेट नहीं है। सिंपल इसका मतलब ये। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ कमांड विंडो है, नजर आ रहे हैं? यस सर। सो मैंने लिख लिया पिंग www.facebook.com। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इसको पिंग किया। अभी जब मैंने पिंग किया तो इससे हमें क्या पाया, पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि दिस इज दी आईपी एड्रेस ऑफ व्हाट, फेसबुक 69.171.255.35 इज द एड्रेस ऑफ फेसबुक। अभी इसके साथ जो हमारी कम्युनिकेशन हुई तो हम बहुत से मुख्तलिफ राउटर्स की मदद से हुई। चलो एक ही वो राउटर से हुई। ठीक है, ये कभी कभार चेंज भी देते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कितने मैसेजेस सेंड करते हैं, ये एक किस्म का मैसेज इसने सेंड किया, एक पैकेट सेंड किया। और इस पैकेट का डिफॉल्ट कितना बाइट का है, 32 बाइट्स का एक पैकेट सेंड किया। पैकेट का मतलब होता है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन इसके बारे थी कि इज यू आर एक्टिव आर नॉट। सो ये आपके साथ 32 बाइट बाई डिफॉल्ट 32 बाइट के होते हैं। ठीक है, और इसने हमें रिप्लाई किया कि और कि हमने 32 बाइट मैसेज सेंड किया और 119 मिली सेकेंड में इसका आंसर आ गया। और इसका मतलब है TTL, टाइम टू लिव। और जो पैकेट हम सेंड करते थे, अभी जो पैकेट हम सेंड करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक पैकेट था 32 बाइट का। सो इसका टाइम टू लिव का क्या मतलब है, टाइम टू लिव का मतलब है कि ये आपके साथ एक पीसी है और एक इसका दूसरा पीसी है। अब इसके दरमियान ये राउटर्स है, एक राउटर, जरा दूसरा राउटर, इस तरह तीसरा राउटर, इस तरह ही। सो यहाँ तक इसका जो टाइम लिव था, टाइम टू लिव कहने मतलब है कि 53 सेकंड तक इसका टाइम टू लिव था। टाइम टू लिव का मतलब है कि अगर ये 53 सेकंड हो जाए तो ये क्या करेगा, और ये इधर पहुंचे। सो अभी ये मजीद नहीं जा सकता। दूसरा इसको कहते हैं होप काउंट।
होप काउंट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये इसका पैकेट इधर आ गया तो एक राउटर, तो इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। जब इधर आ जाएगा तो इसमें एक फीड होगा इधर, इससे पहले 1 था अभी 2 बन जाएगा। जब इधर आ गया तो इससे 3 बन जाएगा। जब इधर नेक्स्ट राउटर इधर आ जाएगा तो इसे 4 आ जाएगा। कितनी राउटर्स तक ये जा सकते हैं? 53 तक। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टाइम टू लीव। कितनी राउटर तक ये क्या होगा? लीव होगा। ये इसका मतलब है कि ये हमारे साथ जो फेसबुक का आईडी, फेसबुक का जो पेज है वो हमारे साथ के एक्टिव है, इसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमने बाई डिफॉल्ट ये याद रखे, बाई डिफॉल्ट कितनी मैसेज सेंड होती है? 4। हर एक बिट का कितना, हर एक पैकेट कितनी बाइट का होता है? 32। अभी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? वही देखते हैं। और ये क्यों चेंज करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। तो सिंपल, पहला हमने ये कर दिया कि एक्सेस, पिंग इज यूज टू डिटरमाइन वीदर द रिमोट होस्ट इज एक्टिव आर इनएक्टिव इफ द सर्टेन साइट इज नॉट पिंग। अगर आप एक एड्रेस को अभी क्या करते हैं, पिंग नहीं कर सकती, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके साथ एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप दो वेबसाइट है, एक पिंग हो सकते हैं और दूसरा नहीं, तो इसका मतलब है जो नहीं हो सकते है वो एक्टिव नहीं है, जो हो सकते हैं वो एक्टिव है और आपका जो नेटवर्क है वो ठीक है। अदर हैंड ये है कि इफ़ यू कैन नॉट पिंग एनी साइट, किसी भी साइट को अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आप नेट डिस्कनेक्ट करी और फिर क्या करी, www.ping, www.facebook करी, www.google करी, जो भी आप करें, तो आपके साथ वो क्या जाएगा? इसका आंसर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि अभी आपके साथ नेट नहीं है, इसलिए किसी भी पिंग नहीं हो सकता। दूसरा ये कि टाइम एंड डिस्टेंस, ये टाइम और डिस्टेंस पे भी काम करते हैं। इसका समझ आ गया? हेलो, इसका समझ आ गया कि एक्सेस, व्हाट इज मीन बाय एक्सेस? थोड़ा समझ गया ठीक है, एक्सेस का सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक यस सर। वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं कि वो अभी एक्टिव है एक्टिव नहीं है। किसी का सर्वर कभी कभी यार बंद हो सकती है, ठीक है, तो वो सर्वर आपको काम वो क्या कहते हैं उस वक्त फिर काम नहीं करता। तो ये आप अभी जो हमने कहा था, ये रिप्ले फिर नहीं आता, ठीक है। बाज़ औक़ात हम इसके टाइम कम कर दें तो इसमें हमारा जो पिकट है वो रास्ते में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, वहाँ तक इसके रसाई न हो सके। सो टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा ये कि टाइम एंड डिस्टेंस, आपकी आवाज कट रही होती है। ठोलो था मसला था, खुना सिर्फ दता था जमा को सीखने लिख बोरे डी बराबर दी। आओ जी सर, दल दसाई दे। Another use of the ping command is to determine how long it takes to bounce a packet off of another site. Another use of ping command के is to determine कि हम determine करें how long it takes, कितना टाइम लेगा to bounce back up to another site, कि एक दूसरे साइट तक हम क्या करते हैं, इस सिस्टम से हम क्या करते हैं, उस सिस्टम तक रसाई करना चाहते हैं, तो कितने टाइम में मेरा मैसेज जाएगा और वापस बाउंस बैक हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइम, कितना टाइम लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी उसने लिया था कि ये तकरीबन 119 मिली सेकेंड उसने लिया था। एंड व्हाट इट, हाउ मेनी डिस्टेंस इट कवर। अभी डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे साथ लैपटॉप भी है और मेरे साथ मोबाइल भी है, मेरा लैपटॉप जो नेट के साथ कनेक्टेड है वो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का नेट है और मोबाइल में मेरा 4G आन है। इसका मतलब भी नहीं कि इन दोनों के दरमियान तो तकरीबन बिल्कुल सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं इसको पिंग करना चाहता हूँ तो शायद इस तक रसाई के लिए बहुत से राउटर रास्ते में हो। इसका मतलब है कि ये इससे दूर है। अगर मैं दूसरा पीसी इधर सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल इस रूम के जो इंड वाली पीस है, इसको अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ तो मुझे आसानी से पिंग कर सकते हो, क्योंकि वो मेरे साथ जिस नेटवर्क के साथ मैं हूँ इसके साथ ये भी है, तो आसानी से हम इस तक पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब है इस और इस पीसी के दरमियान जाहिर डिस्टेंस तो ज़्यादा है लेकिन इसका डिस्टेंस कम है। मोबाइल और मेरे दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है लेकिन वो
हकीकत में ज़्यादा है। तो डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी राउटर आप क्रॉस करेंगे, कितनी राउटर आप क्रॉस करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। कितना टाइम लेगा, टाइम। कितना राउटर पास करेंगे, इज द डिस्टेंस। अनदर यूज ऑफ द पिंग इज टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बाउंस अ पैकेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाने जोड़े। अनदर यूज अ पिंग कमांड इज टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बाउंस बैक अप अनदर साइट। देर इज अ गिविंग इंटरनेट डिस्टेंस इन नेटवर्क टर्म। नेटवर्क के टर्म में हमारे साथ डिस्टेंस इसी तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेबसाइट होस्ट ऑन यूअर नाइबर कंप्यूटर विद डिफरेंट इंटरनेट सर्विस माइट बी थ्रू मोर राउटर टू बी फर्दर अवे इज द नेटवर्क डिस्टेंस देन द साइट ऑन द अदर साइड। सिंपल कहने का मतलब ये था इसका कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हिसाब के साथ एक नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है, ये एक नेटवर्क हमने बना दिए। अभी ये इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये इसके लिए डिस्टेंस इसका कम है। लेकिन अगर ये इधर कोई दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इधर आपके साथ के बहुत से राउटर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा राउटर क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है इस और इसके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और इसके दरमियान डिस्टेंस के कम है। सो सिंपल इसका मतलब ये है कि एक एक्सेस आप पॉइंट कर सकते हैं कि एक लिव है लिव नहीं है। दूसरा ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पैकेट सेंड किया और वापस आया तो कितना टाइम इसने लिया और कितना डिस्टेंस इसने ट्रे किया। सो डिस्टेंस और टाइम आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेस टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कर दूँ कि एक आप कर दें लिख ली पिंग एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लिख रहा हूँ www.google.com। सो इसका आईपी एड्रेस है 2। तो मैं इस तरह अगर लिख लूँ पिंग 216.58.208.228, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सो अगर आप पिंग करना चाहते हैं, अगर आपको एड्रेस गिवन है तो आप एड्रेस भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस हमें मालूम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इसको नेम से देखते हैं, नेम से। सो वी कैन डू द पिंग थ्रू नेम। सो और इसका फायदा ये होगा कि नेम आसानी से याद हो सकते हैं। सो दूसरा इसका मतलब है कि आप डोमेन्स आईपी एड्रेस, आप एक स्पेसिफिक डोमेन को क्या करें, पिंग करें, तो क्या करें, आप लिख ली पिंग और फिर स्पेसिफिक एड्रेस दे दी www.utnashera.edu.pk www.universityofpeshawar.edu.pk www.youtube.com facebook.com google.com googlescholar.com जो भी हो। सो आप लिख ली पिंग के साथ, सो ये आपके साथ क्या करेगा, उस तक रसाई देखेगा। हाँ गूगल वाले बाकी संग नराली तो स्क्रीन शेयर का ज स्क्रीन आपको मत शेयर का न सर जी लैपटॉप के सिर्फ कैमरा गुला हो खाजा कैमरा आन का पिंक। So ping command is used for three purposes. One is कि आपको एक specific IP address given है यहाँ तक रसाई, तो इसकी तक रसाई आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक आपके IP address given है तो आप लिख लिए ping, फिर इस address का address लिख लिए तो आप इसके तक रसाई कर सकते हैं। अगर आपको address मालूम नहीं है तो आपका domain name आपको मालूम होना चाहिए कि इसका इस IP address का specific name क्या है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का आई पी एड्रेस था तो इसका नेम क्या है, तो वही नेम आपने क्या करना है,
वही आपने देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिख लिया डब्ल्यू, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, तो आप नेम के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टाइम के और डिस्टेंस के। तो टाइम का मतलब ये है कि हमने एक पैकेट सेंड किया, वो पैकेट वापस बाउंस बैक हुआ, ठीक है, और कितना टाइम उसने लिया, दिस इज कॉल्ड टाइम। वहां तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि इसने कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसने कितनी राउटर क्रैश किया, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क डिस्टेंस। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क डिस्टेंस एंड फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ करीब बैठे हैं दो बंदे, एक एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, दूसरा दूसरा नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सो ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब है तो इसका डिस्टेंस तकरीबन जीरो है या बिल्कुल कम है। अगर आप इसको पिंग करें शायद आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दे रही, क्योंकि ये दूसरा नेटवर्क है, तो इसको तुम पता नहीं कि मैं किस राउटर के जरिए यहाँ तक मेरा रसाई कर सकते हैं। सो शायद आप ज़्यादा राउटर का तय करें, और एक दूसरा सर्वर होगा जो आपसे बज़ाहिर दूर नज़र आएगा लेकिन आज तक इसकी रसाई आसानी से होगी। तो इस पॉइंट अभी से आप देखेंगे कि जब मैं इस राउटर से एक राउटर तक कितनी राउटर क्रॉस करना था और दूसरे होस्ट तक कितने राउटर से गुजरना पड़ता है। सो इस पॉइंट अभी से आप कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा इसका डिस्टेंस कम है। फॉर एग्जाम्पल एक है www.otinofshara.edu.vk के, और एक आपने लिखा यूईटी पेशावर। अभी आप घर में बैठे, अगर यूईटी पेशावर वाली ने आपको क्विक रिस्पांस दिया और दूसरे ने थोड़ा लेट रिस्पांस, इसका मतलब है कि एक में राउटर ज़्यादा पास हो एक में कम, इसका मतलब है एक आपके साथ करीब है और एक दूसरे आपके साथ तो क्या है दूर है। शायद अगर आप नौशेरा में ही हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नौशेरे में, तो आपको यूटी का सर्वर करीब है। अगर आपको नौशेरा में और पेशावर आपसे दूर है, तो इसका सर्वर आपसे दूर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिपेंड ऑन नेटवर्क, ये नेटवर्क डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो सकते हैं कभी कम हो सकते हैं। सो ये आपने कर दिया। अभी हमने ये कर दिया कि अगर आप पिंग कर दे तो पिंग में ये बात है कि कितने मैसेजेस सेंड होते हैं, उस मैसेज का नाम होते हैं ICMP मैसेजेस। जब आप पिंग यूज़ करते हैं तो आपका कंप्यूटर उस होस्ट तक एक पैकेट सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है, इस मैसेज का नाम होता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये मैसेज सेंड करते हैं, और इसको कहते हैं इको मैसेज। इको मैसेज इसको क्यों बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ी सी हॉल में बैठे हो और आप एक आवाज़ लगा दे हेलो, तो कुछ टाइम बाद आप दोबारा सुन सकते हैं कि हेलो। अभी दोबारा जो आपने ये हेलो वर्ड्स क्या क्या सुन लिया, इसका मतलब ये है कि आपका साउंड ने कुछ डिस्टेंस तय किया और बाउंस बैक हुआ, इस फिनोमेना को कहते हैं इको। इसी तरह ये मैसेज भी क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पे ट्रेवल करता है और होस्ट तक पहुंचता है, होस्ट से इसके रिप्लाई आता है कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, तो बाउंस बैक होते हैं और आपके सिस्टम तक आते हैं। तो जब आपके सिस्टम तक आता है, इसका मतलब है आपने एक मैसेज सेंड किया और वो दोबारा बाउंस बैक हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इको, इसको इसलिए इको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें अगर आप पिंग में इसी तरह डाल ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लिख लिया पिंग www.youtube.com आपने ये लिख लिया। ये अभी चार मैसेज कर देगा, ठीक है, चार मैसेज आपको देगा, 1 2 3 4। अभी इसका TTL इतना है, ठीक है, और ये 32 बिट कांस्टेंट है, इसका मतलब इसने तकरीबन 102 तक होप उसने कवर कर दिया। अभी मैंने इस तरह लिख लिया पिंग माइनस टी स्पेस www.youtube.com, मैंने ये लिख लिया। अभी ये कितने तक जाएगा, जब तक आप इसको इस क्रॉस से स्टॉप ना करें तब तक ये जाएगा। सलूर ने सेवा शुकाना, ठीक सर, है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब अगर आप -t लिख ले तो ये उस वक्त तक पिंग करेगा जब तक आप क्या करें इसको स्टॉप ना करें, और ये अक्सर लोग बहुत बुरी मकसद के लिए यूज करते हैं।
वो ये कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्वर से डेटा छुपाना चाहते हो, तो आप क्या करिए, इसको इस तरह ये मैसेज दे दी, इसके अलावा और भी मैसेजेस है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको कोई मुझे पिंग कर रहा है कि मैं लिव या लिव ना हूँ। दूसरा ये है कि दूसरा मैसेज जो मैसेजेस सेंड करते हैं कि मैं आपके साथ सेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप रेडी हो कि मैं सेशन क्रिएट करूँ या नहीं। तो ये बार बार इसको सेंड करते हैं, तो सर्वर उस साइड पे बिजी होते हैं कि वो क्या करे, आपको ये दे दे कि मैं एक क्यू हो, मैं आपके साथ सेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसी दौरान वो क्या करते हैं, इससे डेटा छुपाते हैं, सर्वर बिजी रखता है किसी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे डेटा क्या करते हैं, छुपा सकते हैं। तो ये उस वक्त तक आपको आंसर देगा, समझ आ गया। नो दाब के द माइनस टी कमांड शो उस गुरा दा मिसी जुने चीजें न दाजे सपोज कमावल वालम या सेवा कमावल वालम के अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया पिंग माइनस एन 7 www. सपोज फेसबुक के साथ में कनेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा, फेसबुक डॉट का मैंने ये लिख लिया, तो इसका क्या मतलब है, अभी ये देखे, ये अभी गिन ले कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो आप इन का मतलब है कि आप ये पैकेट्स आईएसएमपी मैसेज के नंबर्स को आप क्या करें, कम या ज्यादा करी, इधर आप -3 लिखती, -3 नहीं सॉरी आप लिख ली जस्ट 2 -5। अभी ये देखिए 2 इसने 2, तो आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कम कर सकते हैं, ठीक है जी। सो माइनस एन आप इसको कितनी मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, और बाई डिफॉल्ट कितनी होती है, 4, ये याद रखिए। अगर आप -t लिख ली तो ये कितने मैसेज सेंड करेगा, उस वक्त तक सेंड करेगा जब आप इसको स्टॉप ना करें, जब जब तक आप इसको स्टॉप ना करें, ये याद रखने की सर, बात है। सेंड मैसेजेस का मतलब क्या है सर? सर क्या ये सेंड मैसेजेस का आईसीएमपी मैसेज किसका, सर, जो ये मैसेजेस आप कह रहे हैं ना कि ये वाली, हम इतने पैकेट वाले, ये सर ये सारी जो है जो हमारे साथ फोर होती है और टी में जो अनडिफाइन होती है सर, ये सारे मैसेजेस। ये मैसेजेस बाय डिफॉल्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे साथ ये अभी प्लाना एक टू है एक टू नहीं है, तो आप इस आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप एक आपका जो इंटरनेट है वो एक स्पेसिफिक किस्म के मैसेजेस सेंड करते हैं, उस मैसेजेस का नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये पैकेट सेंड करते हैं, इसमें हेडर्स होंगे, टेलर होंगी, कुछ डेटा मेटा होगा, जो भी होगा, लेकिन ये इस ठीक पर्पज के लिए यूज थे। दूसरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाहते हैं कि अभी 4 मैसेज का कोई ज़रूरत तो नहीं है कि 4 रिप्लाई आ जाए, चलो मुझे जस्ट एक चाहिए ताकि सिर्फ मुझे ये पता लगे कि ये एक टू है एक टू नहीं, तो आप इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह है है कि सर। कोई इसमें टाइम ज़्यादा ले लिया, वो बहुत दूर है, तो शायद आपको कुछ 2 का रिप्लाई भी नहीं आ जाए और तीसरी का रिप्लाई आ जाए, 4 5 6 का रिप्लाई नहीं, कोई 8वें का रिप्लाई आ जाए, तो उस वक्त आप फिर क्या करते हैं, इस मैसेज के नंबर्स को ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल ताकि इस मैं इसको 10 मैसेजेस सेंड करता हूँ, इसको शायद एक भी मिल जाए, तो जब एक भी मिल जाए वो उसका रिप्लाई कर देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक टू है एक टू नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं जी। दूसरा इससे एक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साइज़ है, ये साइज इसका 32 बाइट है, तो अगर मैं इसका साइज कम करना चाहता हूँ या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो वो मेरा अपना यूज़ होगा कि मैं ज़्यादा क्यों करना चाहता हूँ, इसको कम करना, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप ये भी किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो सपोज मैं ये इस पर्पज़ के लिए, तो क्यों जस्ट फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू आर नॉट, तो इसके लिए इतनी बाइट का तो जरूरत नहीं है ना कि 32 बाइट का डेटा मैं सेंड कर दूँ, तो मैं इसको कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा पेंग माइनस ये एल ले, ठीक है एल, और मैंने लिख लिया 15,
फिर मैंने कहा www. UUT नौशहरा, आप जो भी लिख ले ठीक है, नौशहरा .edu.pk ये कर दी। स्पेल में पूछे तो उड़ान बोल को सब चल होगा सर जी, डब्ल्यू फोर टाइम दे मिस्टेक तजा। ये देखे अभी इसका कितना लेंथ है 15, तो मैंने इसका क्या क्या लेंथ कम कर दिया, तो लेंथ भी आप कम कर सकते हैं कि अभी इसका कितना लेंथ है, लेंथ वाइज इसको आप कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने लिख लिया पिंक माइनस आई, कोई आपने लिख लिया 5 www.youtube.com, आपने ये लिख लिया। अभी देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये क्यों? क्योंकि हमने बहुत कम टाइम लिख लिया, इस टाइम पे वो या तक हमारा जो पैकेट था उस तक रसाई मुश्किल था, ताकि वो क्या करे रिप्ले दे ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिप्ले फ्रॉम दिस बट TTL इज एक्सपायर। एक एक राउटर था उसको पता था कि हाँ मेरे साथ यूट्यूब कनेक्टेड है, लेकिन उस जब मेरा पैकेट उधर पहुंचा था तो इसमें जो टाइम टू लीव टाइम था वो क्या था, ख़त्म हो गया था, सो इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। जब नेक्स्ट मैसेज मैंने सेंड किया तो रिक्वेस्ट इसका क्या होता, ख़त्म हुआ था। सो ये इसके लिए, अगर ये टाइम आप ज़्यादा करें तो फिर आपको आंसर दे सकते हैं। सो इसका टाइम टू लीव ये भी आपको छेड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिख लिया पिंग कितने टाइम में बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैकिंग टाइम आप देखना चाहते हैं कि कितने टाइम में अगर बाउंस बैक हो जाए तो ठीक है। अभी आर का मतलब है राउटर ना, मुझे ये दरकार है कि 9 राउटर्स की मदद से इसके दरमियान मेरे कम्युनिकेशन, तो 9 तो बहुत कम है, यूट्यूब तक जाना, यूट्यूब का जो चैनल है वो बहुत दूर है, इसलिए इसने क्या किया 4 मैसेजेस ने सेंड किया और इसको कितने रिसीव हो गए 0। कितने मेरे पैकेट लॉस हुई, सारे लॉस हुई। ये क्या करता था अभी, अभी ये इस तरह करता था कि ये मेरा PC था, इधर यूट्यूब था, सो जब एक राउटर तक ये जाता था तो इसमें मैंने लिखा था क्या 9, तो एक कम होता था 8, इधर राउटर से 7, 6, रास्ते में इसको ख़त्म होता था। जब इस राउटर पे आता था तो इसकी एक डिक्रीमेंट होता तो 0 आ गया, जब 0 आ गया तो अभी ये मजीद इसको सेंड नहीं करता, क्योंकि इसका टाइम टू लीव देखता है, टाइम टू लीव सारी राउटर नंबर ऑफ होप्स, आर का मतलब है नंबर ऑफ होप्स। अभी इसको देखते हैं कि इसमें कितने होप्स बाकी है, तो इसमें तो होप नहीं है, तो इधर क्या करते हैं डिस्कार्ड करते हैं, और ये ऐसे डिस्कार्ड करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप NTS का रूल नंबर स्लिप कंसीडर करें। ये जो NTS का रूल नंबर स्लिप है वो ये जो लोग है ये क्या करते हैं, ये इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो कमिंग संडे इस पर आपके टेस्ट है, तब करूँ नंबर स्लिप मेरे साथ आ गया, तो मैं देखता हूँ हाँ इसमें तो टाइम है तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। लेकिन अगर मैं ये हमारा पोस्ट ऑफिस है इधर हमें मिल गया मंडे पे और संडे को आपका टेस्ट पहले से हुआ है, तभी इसको डिलीवर करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, तो इसलिए ये भी इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि इसमें कितने राउटर्स बाकी हैं,
अगर इसमें जीरो है तो इसको मतलब है ये तो मजीद नहीं जा सकती, इसको क्या करते इधर डिस्कार्ड करते। सो ये नंबर आप सब रूट देखने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, कि कितने राउटर तक ये पास हो जाएगा, कि सुमर राउटर बदा सके पास कयो चले के जी न पलारा बदा सुमर राउटर राजी न देर पारा बच सके की द आर इस्तेमाली की। अब इफ चले करना द इफ की तासुदा सिवु गोरे हो बदे तासुला ने पूछे गए। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ जो डेटा है ना, ये हमारे साथ सपोज डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा, एक पैकेट है इसमें हमारे साथ ये डेटा है, तो इसको हम क्या करते हैं स्मॉल सी पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल सी पैकेट करते हैं फ्रेगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको बाज़ औक़ात डेटाग्राम भी बोलते हैं, अभी ये डिपेंड करते हैं आपके लेयर्स पे, आप कौन सी लेयर पे, तो इसका नाम चेंज होता है डेटाग्राम और फ्रेगमेंट पैकेट्स, ये मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं। लेकिन अगर आप ये माइनस एफ कर दे तो आपका जो डेटा वो चंक्स में डिवाइड नहीं होगा, सो इसका आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं इसको ट्राई भी नहीं करता। लेकिन आप इसको याद रखिए कि अगर आप लिख ली पेंग माइनस एफ फिर कोई डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लिखते हो तो सेलेक्ट टू सेंड डू नॉट फ्रेगमेंट फ्लैग इन द पैकेट एंड पैकेट विल बी नॉट फ्रेगमेंटेड बाय गेटवे ऑन द राउटर यूज द कंजक्शन विद सेंड बफर साइज ऑप्शन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये आपका जो डेटा है अगर ज़्यादा है तो उसको फ्रेगमेंटेशन इसकी नहीं करती। सो ये था आपके साथ पिंग कमांड, ठीक है, कि पिंग कमांड कैसे यूज करेंगे और पिंग कमांड का यूज किया था। इस पिंग कमांड के जरिए आप एक अच्छी बात ये भी है कि आप एक ये टास्क है कि आप क्या करी, पहले तो अभी मैंने ट्राई किया वही आप ट्राई करी, लेकिन टास्क में क्या करी पिंग आईपी एड्रेस आप योर डिफॉल्ट गेटवे इन डीएनएस सर्वर, तो आप क्या करी पहले लिख ली, पहले आप इस चीज को फाइंड करेंगे डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस और DNS का, तो अभी सर नहीं लिखेगी कि पिंग डिफॉल्ट गेटवे फिर उसको एरर देगा, तो आप क्या करेंगे पहले डिफॉल्ट गेटवे कैसे पॉइंट करेंगे, वो पिछले लैब में मैंने किए वही एड्रेस आप क्या किया पिंग फिर वही एड्रेस डाल दी। उसके बाद DNS का एड्रेस आप कैसे पॉइंट करेंगे, तो इसको उधर आपके साथ गे बनता सो इसे DNS का जो IP एड्रेस मिलेगा उसको फिर आप पिंग करें, तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आप इधर क्या करें यूज़ करें। अभी इसने लिख रहे इसने क्या लिखा पिंग दिस, तो इस बंदे का डिफॉल्ट गेटवे ये था तो इसलिए इसने पिंग इस तरह लिखे। इसमें सबसे अच्छी बात ये कि पिंग कंप्यूटर्स लूप बैक एड्रेस टाइप फॉलोइंग कमांड। व्हाट इज मीन बाय लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस का मतलब है कि आप अपने आप को चेक करते हो कि या क्या मैं नेट के साथ कनेक्टेड हूँ या नहीं, ये आप कैसे पॉइंट करेंगे, ठीक है। एक तो इस तरह सिंपल से इधर देखिए मैं कनेक्टेड हूँ, इधर आ गया इसने लिखा है कि कनेक्टेड मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है। लेकिन इस कमांड विंडो के जरिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे इधर लिख ली पिंग 127.0.0.1, ये देखिए ये बहुत क्विक हो गया। अभी इसने कितना टाइम लिया, मिली वन मिली सेकेंड से भी कम, क्यों, क्योंकि इसने जब मैसेज सेंड किया तो राउटर ने डायरेक्ट इसको दोबारा सेंड कर दिया, तो उसने रिस्पांस दिया, तो ये बहुत, क्योंकि अपने आप से राबिता करना तो सबसे आसान होता है ना, तो इसने अपने आप से दोबारा राबिता किया, तो ये ने क्या वन मिली सेकेंड से भी कम टाइम, तकरीबन ज़ीरो टाइम में उसने कर दिया। ये देखिए मिनिमम टाइम ज़ीरो, मैक्सिमम टाइम ज़ीरो, एवरेज टाइम ज़ीरो, कितने में से चार और चार, ये ज़ीरो बिल्कुल नहीं, ये बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख ली पेंग 192.168.1.1, इसको सपोज करें, अभी आजमी राउटर में भला आई पी एड्रेस माता ऐसा चीज हो तो पल नेट ना कनेक्ट है लिहाजा कर, चलो कुछ वाला बो। ना गोरे दे देर से खास टाइम हम राजी
اپ اخر کې بادام شو کی چې د څومره میسجونه سینډ له او څومره 8 هاز سینډ 7 میسج ریسیوډ 7 اور او سب سے منیمم ٹائم کیا تھا 115 ملی سیکنڈ ادھر اپ دیکھ سکتے ہیں 115 سے کم نہیں ہوگا سارے زیادہ اور میکسیمم کتنے ہیں 149 سے زیادہ ادھر نہیں ہے ایوریج اس کا ایوریج لکھے 125 اس کا ایوریج سو دس از اباؤٹ پین کمانڈ اینڈ دس از اباؤٹ لوپ بیک آپ سے کوئی پوچھے واٹ از مین بائی لوپ بیک لوپ بیک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے رابطہ کرنا کہ میں ایکٹیو یا ایکٹیو نہیں ہوں تو اس کے لیے لوپ بیک یوز ہوتی ہے اگر آپ یوز نہیں اگر آپ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ کو آنسر نہیں آئے گا لیکن جب آپ ایکٹیو ہے تو آپ کے ساتھ بہت کوئک آنسر آئے گا کیونکہ آپ بہت جب آپ میسج سینڈ کرتے تو دوبارہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اس کو ریپلائی کریں گے تو یہ 1 ملی سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں آپ کس کو کیا کر سکتے کر سکتے سمجھ آ گیا اس طرح کرے کہ کوئی دس از اباؤٹ پینگ کمانڈ ابھی آتے ہیں کس چیز کی طرف ٹریسٹ کمانڈ کے بارے کہ ٹریسٹ کمانڈ کیا تھا سو ٹریسٹ کمانڈ از یوز ٹو ٹریس سم آئی ڈی اٹ بہیو لائک پینگ بٹ ان پینگ وی وانٹ دیٹ از یو آر اف یو آر ناٹ In Traceit, we want to find the IP address of specific address. ٹھیک شو یہ specific address تھا داغا فار ایگزامپل www.google دے ناغا منگا آئی پی معلوم ہو داغا دے پارا منگا Traceit command یوز کرو پینگ ہو شو About trace it, ये देखिए what is mean by trace it? Trace, this is trace, our RT का मतलब है route, trace route, trace it तो जोर से भाई trace route, आप route को trace करें what is mean by route? The path between the client and the server, the client and the host, from one client to another client, from source to destination. So trace route mean traceit is the command line utility used to trace the path that internet protocol packet take to its destination from the source. Traceit will determine the path taken to destination. It does this by sending internet control message protocol. Da badal ta ke دا موږ په انټرنیټ میسج پروتوکولز په دې میسجونو باندې دا معلومولی شو ٹھیک ده لکه څنګه نو په دې کې به هم تاسو د شل کوئ چې فار ایگزامپل زه په کمو لارو باندې د ګوګل سره کنیکټ یم ٹھیک ده زه په کمو ډیفرنٹ پاتس باندې د یوټیوب سره کنیکټ یم سو آپ کیا کریں گے آپ لکھ لی Traceit space www.youtube.com ठीक है सी मैक्सिमम तक 30 होप्स तक जा सकते हैं लेकिन आप ये डिपेंड करता है कि अभी कितने होप्स तक जाएगा होप वट इज मीन बाई होप होप दा देखा ना कि यू कंप्यूटर ना बल कंप्यूटर तो जी पेमेंट्स के कम राउटर ही राजी मग यू राउटर राले द्वार आले द्रे राले चालोर राले देते स्कैड होप यू किसी में तब सिंपल वाले स्टापू ना से बस उम्र स्टापू ना के पला रहा भाई लकत बी आर टी के रवान शे का ना द चमका नहीं ना نو چې چمکانۍ نه ستا میسیج یو قسم ته پیکټ یې روان شوي نو د چمکانۍ چې هغه روان شي نو اول به وایي چې پیسل کالونی په پیسل کالونی کې دا ستا یو راوټر شو ټیک شو نو اوس ګوره ته به چلو کې ته خو پیسل کالونی ته نه ځې ته سپوز ځې صدر ته نو هلته به ته نه کوزېږي نو څه چلو شي دا یو راوټر ته کوم خو د هغه نه بعد به بیا راشي لاهور اډه په لاهور اډه کې به بیا نه کوزېږي
इसके बाद आपके साथ आ जाएगा क्या अशनगरी, अशनगरी का जो क्या होते सपोज स्टेशन है, इसके बाद आ जाएगा क्या साथ शहीद थे यूं भी वही है, इसके बाद आ जाएगा आपके साथ खैबर बाजार, इसके बाद आपके साथ आ जाएगा डबगरी गार्डन, शायद इसके बाद आपके साथ रेलवे स्टेशन आ जाएगा और इसके बाद सदर आ जाएगा। तो आपके सदर आ जाएगा तो आपके अभी ये चमकनी से लेकर सदर तक कितनी होप काउंट की, इतनी। सो दिस इज कॉल्ड होप काउंट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अभी ये इसके साथ हमने क्या किया, इसकी इस लिंक के जरिए हम कनेक्ट हो सकते हैं, इस लिंक के जरिए, इसके जरिए, इसके इस मुख्तलिफ ये जो मुख्तलिफ राउट्स है, ये मुख्तलिफ राउट्स हमें बता रहे हैं कि इसके जरिए आप इसके साथ क्या कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट ये, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है, तीस तक पूरा कही, कल कल तीस तक नहीं पूरा कही, वक्त भी। ठीक है, सो ये आपको ये शो कर गूगल वाला, वो गूगल वाला होते रह रहा है पॉइंट तो सर, ये तो नो बस दा खैर डिपेंड के का ना चल का हुमिक जे मुदा टेस्टा रसी नो चले नो नूर राउट माउस नहीं बस वे दा टिक टिक शॉर्टेस्ट फ्लैश नो बस बी अब फिजिबल तरफ तो बोल इन दा उस ने बदबल यो कनेक्शन वो आगे आगे फातिर आवाज तो आगे से चलो शो आगे से बे कनेक्ट ना नो ना दा ना देखा ना दा सको ریمو کو نو پا دی مختلی پا اندازون مون ده سرسی که شو کنیک که دره شو همون کراس کده لنجا جوری سو کینی که سیمپل سا مطلب یه تا که یه ابی اسمی اگر آپ دیکی سو اسمی آپ که ساتھ کیا تا دونو تی چلو می پیر سے ٹرائی کرتا ہوں trace it www.google google.com ये गया, ये आपके साथ IPv4 है, ये भी आपके साथ IPv4 एड्रेस है। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात आप IPv6 के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी आपको देगा। तो पीसी के में चार जम तुत्ता शो موبائل نہ لگے بتا سکو کار اصل کی بجلی بجلی زمانگا نیٹ لگ کمزور ہے شیر دے دام وہ کمزور ہے آؤ کرنا موبائل سے پاگل چاچا بس اور تم ویل کو ما ویل جس دمر بس ما سے چ بدی ٹیم کے باب کی بجلی را شو ہا تب تو ابھی تک ہم نے یہ کر دیا کہ یہ ہو گیا مائنس ڈی سے تو مائنس ڈی میں دیکھا جائے تو اس میں سے کوئی یہ ٹائم آؤٹ کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہم رسائی نہیں ہو سکی لیکن سارے آپ کے ساتھ جو ہے IPv4 کے انداز میں ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جسٹ نمرک ہو ڈسپلے دا روٹ یوزنگ نمرک ایڈریس کلین IPv4 کیونکہ آپ نے ابھی تک IPv4 نہیں پڑھے تو اس لیے ہم کو IPv4 کا نام ادھر نہیں لکھتے تو جسٹ نمرک کا نام دے دے ٹھیک ہے ابھی یہ کسی کے اسپیسیفائی دا میکزیمم نمبر آف دا ہوسٹ ٹو یوز پار بائی ڈیفالٹ از 30 ابھی فار ایگزامپل آپ جی جی سر یہ نمبر کا کیا مطلب سر نمبر 300 تا وے لکہ اگر ایڈریسی را کا چاغ 300 کی لیکن 192 دا 300 کی دیکھنا دین مخ کی جے کو نو پاگ کی زنی داسی مو دسا سر آ وا کوئی شی نو دا غلط پار دا رہا ٹریس اٹ مائنس ایچ 5 www.facebook.com اور یہ دیکھ میکزیمم نمبر آف ہوٹ کتنی 5 کتنی آ جائے گا 5 یہ لکھا تھا میکزیمم نمبر ہوپ 30 سو اس کو اتنا پتہ لگے کہ اتنی کافی بس کوئی ضرورت نہیں ہے اور تھی نہیں ابھی یہ کیا کرتے 5 آپ کے لیے ڈھونڈ دے
सर जी जो लोग हैकिंग करते हैं ये वाय हैकर। किस तरह करते हैं? मैं सरदार तो सिंह कैसा हमारा ओकर सर आ गई तो टोलो तो धागा चल कर दे सर दा मैंने से छपाव से कम दे दा ट्रेसेट से कम दा मैं सर यूट्यूब तो पारी उसको बोले शुक ना सर फेसबुक तो पा कैसे सर दा मैंने से छपाव से कम सर ताव लिख रहे कमांड दा टोलो दे पा रहा दा आरी हो दे पा रही उसको ले शे दा दल तसे छ देन फेसबुक को लिखम कल यूट्यूब को लिखम कल गूगल को लिखम कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप जो भी यूज करें आप यूज कर सकते हैं ठीक है। मैं डिफरेंटली या रेंडमली देता हूँ रेंडमली ठीक है। तो ये आप इसको यस यूज सर कर सकते हैं ठीक है। ये था आपके लिए। अभी इसमें आप मजीद ये जो ऑप्शन है इसको आप खुद यूज करें और इसको क्या करें जानने की कोशिश करें। आपने ये चीज खत्म करनी है अपनी लगानी है और ये वाइट लगानी है ब्लैक या वाइट लगाएं या कोई दूसरे कलर के लगाएं ताकि ज्यादा टोनर यूज ना करें क्या ब्लैक वाइट तो वही के टोनर सही है मुझे दापा की। और नेक्स्ट खबर अदार है कि ताशुदिश शेखा हुई कि